केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर पंजाब का किसान एक बार फिर सड़कों पर बैठने को मजबूर है। और अगर बात मुख्यमंत्री पंजाब की करें तो उनकी निवास स्थान पर आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जो सैकड़ों किसान हैं एक बहुत लंबी तादाद में बहुत दूर तक बैठे हैं और लगातार 6 दिन से ये धरना जारी है। इस धरने को शुरुआत करने से पहले 7 तारीख को जो है मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक का कोई नतीजा ना निकलने के चलते इनको ये पक्का मोर्चा लगाना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के कार्यकर्ता। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, 7 तारीख को आपकी बात भी हुई लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं निकला, लगातार आप 6 दिन से बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? साड़ी जिहड़ी मुख मंग है ओह जिहड़ियां फसलां गुलाबी सुंडी नरमे नूं मार गई चाहे बेमौसमी बरखा दे नाल साड़ियां फसलां खराब हो गईआं, उहदा असीं मुआवजा मंगदे हां सरकार तों। पर सरकार 6 महीने हो गए एक जन दी ढेला नहीं दे रही मजदूरां नूं खास तौर पर, ते सानूं भला 52 करोड़ मन्ने सी मुड़ के कहिंदे नहीं 41 करोड़ ही आ, उहदे चों वी 26 करोड़ ही दित्ता हजे। जन दी हरेक चीज़ लारियां 'च ला रहे आ, जिवें लिपी स्किन बीमारी नाल पशु नुकसाने गए वड्डी पद्धर ते, उहदा मुआवजा पुलिस केस रद्द कराउणे आ, एक पराली वाला जिहड़ा भी पराली भी किसानां नूं बचाउण देणी, पर सुप्रीम कोर्ट की हदायत है भी इन्हों कोई सबसिडियां दो, सबसिडी कोई देनी नहीं, डंडे के जोर से पराली नूं फूक नहीं दे रहे। मोगे के डीसी का बयान आ कल अखबार च, कहिंदा रेडेंटियां भी करांगे फड़ के जेलों च भी बंद करांगे। मुख्यमंत्री साहब मीटिंग च कह रहे सी 7 तरीक वाली च भी जी पराली वाला कोई मुद्दा नहीं, ठीक आ किसानों की मजबूरी है, तो उधरले पास बयान डीसी साहब दे रहे आ। एक ही माइनिंग वाले, माइनिंग वाले तो कहते भी ना जी असं कुछ नहीं कहते माइनिंग वाले, तो पटियाले जो संगरूर च परचे दर्ज कर रहे, पता भी की गल भी मुख्यमंत्री आपकी पावर ही नहीं दिखा रहे कि डीसी उन्होंने आखे नहीं लगते, जन दे थले उको ही आ, तो पता नहीं कमेडी कलाकार बने करके आ भी साड़ियाँ गल्लां हास्से वालियां हुंदियां जुमले आ भी थले मंजूर होण ते ना होण, उहदे कारण ही असीं जिहड़ा इह पक्का मोर्चा लाया। देखो कह रहे आ इह भी मंगां दा मन लिया, मोर्चा कदी खतर ला लिया, पर सानूं पता है खासा इहनां दा 75 साल हो गए सानूं देंदिआं नूं, मन तां लैंदे आ मंगां, लागू कराउण तां सानूं दुगणा जोर लाउणा पैंदा जिहदे 'च हुण असीं बैठे हाँ। जन दी हुण जिन्ना चिर जिहड़ियां साडियां मंगां सेंटर नाल भी आ, कल्लियां इहनां नाल नहीं, साढ़े MSP की कानूनी गरंटी बनाउणी आ, कमेटी बनाई आ, पंजाब दा बंदा ही नहीं लिया साडा कोई, ये कोई पुलिस केस आ, लखीमपुर खीरी दे शहीदां नूं परिवारां नूं इंसाफ लैणा, अजय मिश्रा टैणी नूं अंदर कराउणा, आशीष मिश्रा नूं उह वी अजे साडा कुछ नहीं, पुलिस केस रद्द कराउणे आ, जन दी सारियां ओकू दियां ओकू लटक रहियां मंगां। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 25 ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਦੋਂ ਹੱਦ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਰੀਮੀਤ ਜਿਹੜਾ DSP ਆ ਸਕਾਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਵੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ, ਝੱਖੜ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਭਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਐਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ 2-4 ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਹੰਬ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ। ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਸੇ ਵੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ,
क्या मुख्यमंत्री के किसी नुमाइंदे से, सरकार के किसी नुमाइंदे से, प्रशासन से आपकी इस मुद्दे पे बात हुई, उनका क्या कहना है? हाँ, 7 तरीक नूं बकायदा सूबा कमेटी की मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री साहब नाल, गल्ली बाती ये सारा कुछ मन्ने हैं, पर जिहड़ा लिखती रूप च देना हुंदा जां ग्राउंड लैवल ते थले तक जमीनी पद्धर ते लागू कर रहे हैं वह बिल्कुल नहीं हो रहा। वो साडा आगू पहलां भी उदाहरण दे गया भी 7 तरीक नूं मीटिंग हुंदी है, 7 तरीक नूं पराली वाले मतलब बरनाले जिले के पराली का परचा दर्ज हुंदा, वो किसान का झोना हजे खड़ा, किसान हजे वह अमरीका च बैठा, 5 साल हो गए उन्होंने बाहर गए, उन्होंने नोटिस आ जाता 2500 का जुर्माने का, यह हाल है सरकार का। इस तरह माइनिंग का लहरे गागे दे 9 तरीक नूं परचा दर्ज हुंदा, उदू पहला 8 तरीक नूं पटियाले दे जिहड़ा नाभे ब्लाक का रामगढ़ पिंड है उत्थे माइनिंग के नाते परचा दर्ज हुंदा। इस करके असीं किवें यकीन कर लगे भी सर भावें मुख्यमंत्री कह रहा भी मंगा सारियां मन्नणगा एवें बैठे, नहीं, साडा तजर्बा असीं हड्डी हटाया पहलियां सरकारां तों, बहुत कुछ मीटिंगां च मन जांदियां पर जिहड़ा ग्राउंड लैवल ते जमीनी पद्धर ते लागू करना हुंदा उह बिल्कुल नहीं हुंदा। आपको लगता नहीं है ये दिल्ली जैसा माहौल है जो बन गया है, जिस तरह दिल्ली के बॉर्डरों पर आपने इतने महीने जो समय बिताया और आपकी महिलाएं भी बैठी हैं सारा काम का छोड़ के, और किसान का इस समय खेत में होना बहुत जरूरी है, आपको लगता नहीं आपका बहुत नुकसान हो रहा है? देखो, असं पहला भी बहुत सारे यह संघर्ष लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं दिल्ली मोर्चे तो पहला, पंजाब दे विच आधारण है साडे एक भावें वो साडे भरातरी जथेबंदी है, किसान जथेबंदी है, डकौंदा ग्रुप है, उन्होंने आगू नूं सुप्रीम कोर्ट वल्लों एक कतल दे झूठे केस विच उलझा के 20 सालों की सज़ा करती सी, पर असी लगातार संघर्ष लड़े, उदों भी झोने का सीजन बच्च आया सी ते सुप्रीम कोर्ट नूं गोडनियां करके उहदी सज़ा बहाल कराई सी। इस तरह 3 सीजन घट्टो घट्ट असी टोल प्लाजा ते दिल्ली दे अंदोलन दे विच इह सीजन लंघे आ, कामकार भी हुंदे रहणगे ते संघर्ष भी अवे चलदे रहणगे। बिल्कुल, ललकार दिवस की बात इन्होंने की, आपको क्या लगता है कि ललकार दिवस के रास्ते आप सरकार को अपनी मांग कहां तक मंगवाने की, क्या बात सुनेहा देने की कोशिश करेंगे? असी जो सरकार नू हैगा भी लोग झोने की वाढ़ी शुरू हो गई आने घट जाएंगे, वो ललकरा मारना जिन्हों ललकार रैली का रूप दिता, तो साड़िया मावं भैं बड़ी पद्धर से आनगियां जिन्होंने दसना सरकार भी यह तू भुलेखा कढ़ दे भी जिन्ना चेर यह मंगा जो अमली रूप च नहीं ग्राउंड लैवल तो नहीं मनिया जाएगा उन्ना चेर असं संघर्षी लोग हाँ, अं उठन वाले नहीं गए, क्योंकि ये जिहड़ियां सरकारां 75 सालों तो लारे लाउंदियां तुरियां आईयां सी उन्हां दे विरोध च तां असीं इन्हां नूं लैके आंदा सी, पर ये भी उहो जिहे निकलदे तुरे आउंदे आ, सो इन्हां दा भुलेखा असीं दूर कर देंगे कल नूं ललकार रैली च। बिल्कुल, 15 तारीख को जो किसानों ने यहाँ पर लगातार 6 दिन से बैठे हैं उन्होंने ललकार दिवस, ललकार रैली का नाम दे दिया है। आप देख सकते हैं कि किसान जिसका खेत में होना अति जरूरी है और धान की फसल तैयार हो रही है, इसकी कटाई जरूरी है, वो अपनी मांगों को लेकर इन सड़कों पर सरकार के साथ अपने रोष का दिखावा कर रहा है, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार इनके संघर्ष को कहां तक ले पाती है, इनकी मांगें कम मानी जाती हैं। कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ RN कांसल TV9।